Assalamualaikum, welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Saranim. Today I will discuss the guideline of genetic and pediatric diseases. I am sharing this guideline from Medium Robins 10th edition, so let's start. सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जेनेटिक डिजीजेस, इसे आपने जस्ट एक फीड देनी है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन डिजीज. इसमें म्यूटेशंस इन प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ये म्यूटेशंस का टॉपिक आपका UQ है. UQ इस तरह से पूछा जाता है कि डिफाइन म्यूटेशन और इसकी टाइप्स हमने बतानी होती हैं. तो आपने म्यूटेशन को डिफाइन करना है और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो आपने बतानी है. तो ये आपका UQ है. नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं तो टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो आपको टेबल 7.2 नज़र आ रहा है ये आपने अच्छे से करना है. ये UQ होता है. UQ में एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की एग्जांपल बताएं, ऑटोसोमल रिसेसिव की एग्जांपल्स बतानी होती हैं और एक्स लिंक की एग्जांपल्स बतानी होती हैं. तो ओवरऑल ये टेबल 7.2 आपने ओवरऑल ये पूरा टेबल करना है और ये पूरा टेबल ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसमिशन पैटर्न्स ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर्स. ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से भी UQ आते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, इसका UQ आता है. हमने ऑटोसोमल एज इट इज़ आता है कि राइट अ नोट ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. तो इसमें जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं आपने बस ये लिखनी है. इसके अलावा बच्चों को होता है कि हमने जेनेटिक्स में अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने डिसऑर्डर्स में क्या लिखना है. तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये चीज़ें अंडरलाइन कर दी हैं, हाईलाइट कर दी हैं. आपने बस ये लिखना है. सबसे पहले आपने ये पैराग्राफ लिखना है. इसके बाद आपने फीचर्स लिखने हैं. तो फीचर्स के अंदर ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं आपने बस ये लिखना है. बाकी ये नीचे से लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह जो हमारा दूसरा होता है डिसऑर्डर्स ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंसेस, इनमें भी जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. तो इन दोनों में आपसे एक डिफरेंस भी पूछा जाता है. ये भी आपका एक UQ है. तो आपने इस क्वेश्चन को इस एंगल से भी प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स लिंक डिसऑर्डर्स. ये भी आपका एक सेपरेट UQ आता है. राइट अ नोट ऑन एक्स लिंक डिसऑर्डर्स. तो ये आपने एक्स लिंक डिसऑर्डर्स के ऊपर नोट लिखना होता है. एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले बता दी हैं जो टेबल में दी हुई हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डिजीजेस कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. अच्छा, यहाँ मैं आपको ये कहूँगी कि जो ये वाली टॉपिक्स हैं ये आपने पूरे पूरे रीड नहीं करने होते. इनकी आप बस जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं वो चीज़ें आप लोग कर लें. इसके अलावा समरीज कर लें, क्योंकि डिजीजेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन हम इन्हें स्किप भी नहीं कर सकते. तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप समरी में से कर लें, ताकि आपको डिजीज़ की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस चीज़ के अंदर म्यूटेशन होती है और क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. अब जैसे सबसे पहले हमारे पास है मार्फन सिंड्रोम. तो मार्फन सिंड्रोम की आपने डेफिनेशन करनी है. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम फिब्रिलिन 1 कहते हैं. इसके अलावा आपने नीचे से ये जो सारा टॉपिक दिया हुआ है इसे आप एक दफ़ा रीड करें, सिर्फ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. मॉर्फोलॉजी में आपने ये चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं. सिर्फ ये देखनी है कि अगर MCQ वगैरह आ जाता है तो आपको पता हो कि फ्लॉपी वॉल सिंड्रोम मार्फन सिंड्रोम के अंदर होता है. तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है. समरी आपने याद कर लेनी है, ताकि अगर इसका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये एक दो बातें लिख सकें कि मॉर्फन सिंड्रोम किस जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, वो जीन इनकोड किसको करता है और किन किन टिश्यूज़ में चेंजेस आती हैं और क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं. तो ये समरी आपने याद करनी है. बाकी आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है. आगे भी जितनी डिजीज़ हैं इंडिविजुअल मैं आपको नहीं बताऊंगी, जितनी डिजीज़ हैं उनकी आपने उनको एक दफ़ा रीड कर लेना है. लेकिन समरीज़ को आपने याद कर लेना है, ताकि अगर वो डिजीज़ आ जाती हैं तो आप उनके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकें. अब जैसे हमारे पास एहलर्स डेनलॉ सिंड्रोम है, तो इसके फर्स्ट 2 लाइंस करने के बाद आपने बाकी सारा रीड करना है. इसकी समरी को आपने याद कर लेना है. इसी तरह फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया है, इसको भी आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है और आपने इसकी समरी जो है उसको याद कर लेना है. सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया, जैसे इसकी डेफिनेशन है, इसकी पैथोजेनेसिस की फर्स्ट 3 लाइंस हैं, देन ये इसकी डायग्राम है, आपने इसकी डायग्राम अच्छे तरीके से देख लेनी है और फिर ये इसके क्लिनिकल फीचर्स की डायग्राम है, आपने ये कर लेनी है और बाकी क्लिनिकल कोर्स को आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है और समरी आपने इसकी याद कर लेनी है. सारी डिजीज़ को आपने इस तरह ही करना है, जैसे फिनाइलकीटोनूरिया है, आगे ग्लेक्टोसीमिया है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, इनको आपने एक दफ़ा रीड करके समरी से इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है.
टेबल 7.3 की हम बात करते हैं, यहाँ पे ये फोर डिजीजेस हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपने देख लेना है कि टेसेक डिजीज़ के अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है। इस तरह गॉस्चर्स डिजीज़ ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपने देख लेना है। यहाँ पे हमारे पास एक डिज़ीज़ है नीमैन पिग डिज़ीज़ टाइप ए एंड टाइप बी, इसमें से आपका यूक्यू आया हुआ है। इस डिज़ीज़ को आपने अच्छे तरीके से करना है, अच्छे तरीके से आपने इसको रीड करना है और आपने इसकी समरी जो है उसको याद कर लेना है। इसी तरह गॉशर्स डिज़ीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका यूक्यू तो नहीं आया हुआ, लेकिन जो आपके कॉलेज में एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनमें ये डिज़ीज़ अक्सर पूछी जाती है, वाइवा में भी डिज़ीज़ पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने अच्छे तरीके से करना है। रीड करने के बाद आपने समरी से याद कर लेना है, पूरा इतना ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समरी कर लेंगे ना सारी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे, अगर आप समरी कर लेंगे तो। हम टेबल 7.4 की बात करते हैं, इसमें से आपने ये बात याद रखनी है कि जो हिपेटिक टाइप होती है वॉन गिरकिक डिजीज़ टाइप 1, उसके अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहाँ कहाँ आती हैं। इसी तरह इस डिज़ीज़ के अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है और पॉपी डिजीज़ के अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, तो ये आपने टेबल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स, तो इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है। साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसको भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसमें न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इन्हें भी जस्ट रीड करना है, कुछ याद करने वाला इतना नहीं है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे ट्रांसलोकेशन है, बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, ये जो टर्म्स मैंने इन्हें हाईलाइट किया हुआ है इनकी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। साथ आपने ये डायग्राम कर लेनी है, ये फिगर जो 7.14 है ये आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग ऑटोसोम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से करना क्या है, सबसे पहले ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, रिपीटेड यूक्यू आता है डाउन सिंड्रोम के रिलेटेड। अब डाउन सिंड्रोम में से भी क्या चीज़ें आपने करनी है, आपने फर्स्ट थ्री लाइन्स करनी है, इसकी डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए। फिर एक यूक्यू है जिसमें वो पूछते हैं कि डाउन सिंड्रोम का मेटर्नल एज से क्या रिलेशन होता है, तो ये आपने ये वाला पैराग्राफ करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको ये फिगर नज़र आ रही है जो कि 7.15 है, जिसमें क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं, तो ये आपने क्लिनिकल फीचर्स करने हैं, आपने ये पूरी डायग्राम करनी है, पूरा पेज आपने करना है, आपको हर डिजीज़ के ट्राइसोमी 13 के, ट्राइसोमी 18 के और 21 के सबके ये जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये पता होने चाहिए। ये पैराग्राफ मैं कह रही थी जो कि यूक्यू होता है मेटर्नल रिलेट से कोरिलेशन का, तो ये आपने यूक्यू आता है, ये आपने अच्छी तरह से करना है। इसके अलावा यहाँ से आपने ये पॉइंट्स करने हैं, ये भी आपका यूक्यू है एज इट इज़, वो पूछते हैं कि इन एडिशन टू द फिनोटिपिकल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड मेंटल रिटार्डेशन अदर क्लिनिकल फीचर्स कौन से होते हैं, तो ये अदर क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये आपका एज इट इज़ यूक्यू, आपने इसे करना है। नेक्स्ट जो आपका ये 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम है, इसे आप एक दफ़ा यहाँ से रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से इसकी समरी से ये वाला पॉइंट भी कर लेंगे ना तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसके अंदर डिलीशन होती है तो फेस, हार्ट, थाइमस और पैराथायराइड्स ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इफेक्ट होते हैं, तो इसको हम डायजॉर्ड सिंड्रोम कहते हैं। और एक यहाँ पे विलोकॉर्डियल फेशियल सिंड्रोम है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग सेक्स क्रोमोसोम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ये यूक्यू है, लास्ट ईयर 2019 प्रॉफ में इसका क्वेश्चन आया था, तो आपने करना क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी होती है और आपने क्लिनिकल फीचर्स करने होते हैं, बाकी सारे को आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। ये जो इसकी टाइप्स हैं ये भी आती होती हैं, तो आपने ये भी अच्छे तरीके से देख लेनी है। नेक्स्ट ये फिगर, इसमें क्लिनिकल फीचर टर्नल सिंड्रोम के एक्सप्लेन किए गए हैं, तो ये एज इट इज़ आपने याद करना है। देन हमारे पास आता है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स विद ए टिपिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले तो आपने ये इनके नाम याद करने हैं कि सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, तो ये तीनों डिजीजेज के नाम याद करने हैं। अब आपने आगे इन डिजीजेज की डिटेल नहीं करनी, आपने बस ये याद करना है कि जो ट्रिपलेट रिपीट म्यूटेशन है इसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं, जिसके अंदर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आता है और दूसरी इसके अंदर फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर या एटैक्सिया आता है। इसको करने के अलावा आपने इसकी समरी करनी है, डिटेल अंदर से करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लिखा हुआ है, तो ये आप इसको एक दफ़ा रीड करना चाहते हैं तो लाजमी करें,
लेकिन अगर आप समरी से रीड कर लेते हैं तो ये मोर देन एनफ है। इसी तरह जो हमारी दूसरी डिजीज़ है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की म्यूटेशन की वजह से होती है, तो ये उसका नाम आपको पता होना चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह जो तीसरी डिजीज़ होती है इसको भी आपने एक दफ़ा रीड करना है, लेकिन जो चीज़ आपने करनी है वो इसकी समरी है और पिछले पेज पे जो इसकी डायग्राम है आप ये कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी बीच में से आपने इसको एक दफ़ा रीड लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास पीडियाट्रिक डिजीज़ का पोर्शन आ जाता है, इस पोर्शन को आपने स्किप कर देना है, इस पोर्शन को आपने नहीं करना। नेक्स्ट आपने आ जाना है पेज नंबर 292 पे, यहाँ पे इंडिकेशंस दी हुई हैं। ये चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है इंडिकेशंस फॉर जेनेटिक एनालिसिस। ये आपका UQ है कि प्रीनेटल जेनेटिक एनालिसिस के लिए हम किन सेल्स पे परफॉर्म्ड करते हैं। ए पार्ट है कि किन सेल्स पे परफॉर्म्ड करते हैं, तो ये आपके सेल्स हैं। फिर दूसरा इंडिकेशंस क्या होती हैं, तो ये 3-4 पॉइंट हैं इंडिकेशन के। ये आपका UQ है, तो ये क्योंकि एंड पे दिया हुआ है अक्सर बच्चे से स्किप कर देते हैं, तो आपने स्किप नहीं करना। प्री नेटल जेनेटिक एनालिसिस जो है ये आपका UQ है। इस तरह पोस्ट नेटल जेनेटिक एनालिसिस भी आपने साथ कर लेना है, क्योंकि अगर एक दफ़ा प्री नेटल आ चुकी हैं तो क्या पता प्रॉफ में पोस्ट नेटल भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपने ये भी 4-5 पॉइंट्स हैं याद कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पास मॉलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ कॉपी नंबर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इनके आपने सिर्फ ये नाम याद करने हैं। जैसे ये फ्लोरिसेंस इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये आपने याद कर लेना है। इसी तरह ये आपने इनके बस नाम याद करने हैं, डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनके नाम करने हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो के एंड पे मैं वीडियो की समरी बताती हूँ। इस वीडियो में मैंने जेनेटिक्स वाले चैप्टर की गाइडलाइन दी है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये चैप्टर सारा नहीं करना होता। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने वो चीज़ें करनी है। जो चीज़ें इनमें से इंपॉर्टेंट हैं वो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नल सिंड्रोम है। इसके अलावा पीछे जो हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव एक्स लिंक पढ़े वो म्यूटेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जिन चीज़ों को मैंने आपको रीड करने का कहा उन्हें आपने सिर्फ रीड करना है, और इस चैप्टर की समरीज अगर आप कर लेते हैं तो वो मोर देन एनफ है। इस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आना होता है तो वो आपका इंशाल्लाह ताला समरी से हो जाता है। थैंक यू। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions are given in this book, chapter pulls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams. Exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 663 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.